अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होगी आप लोगों की, घर में खैरियत होगी। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद सलूशन पेश करता रहूं। आज हम आपको काउंट डाउन 8 क्लास की बुक है मैथ की, इसके कुछ सलूशन बताने जा रहे हैं। हम बेसिक अलजबरा के एक्सरसाइज 15 है आपकी बुक के अंदर, और इसके पेज नंबर 178 पर है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, कि जिसमें काउंट डाउन 8 के अंदर पेज नंबर 178 के ऊपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने तौर पे देख सकते हैं किस पेज पर है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराना सिखा रहा हूँ। गौर से देखिएगा कि कैसे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 7ab प्लस 12b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a² - b² देन डिवाइडेड बाय a प्लस 4b अपॉन a माइनस बी। बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जब ये डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो तो ये नेक्स्ट टर्म जो है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। लेकिन उससे पहले हम इनको ब्रेक कर लेते हैं। मिडल ब्रेक पहले आपको सिखा चुका हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आप देख चुके हैं। आज फिर हम आपको बता रहे हैं कि ये 12 1s are 12 है, तो 4 3s are 12 से हमारे पास सिंपलीफाई हो जाएगा। तो हम मिडल ब्रेक करना जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3ab देन प्लस 12b² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस 4ab। अब आप आगे के देखें, इसमें क्या है कि मुझे इन दोनों में से कामन निकालना है। इनमें से एक ए कामन आ रहा है तो यहाँ से ए प्लस 4b बच गया। इन दोनों में से प्लस 3 3 4s are 12 तो प्लस 3 तो निकल आएगा, बी नहीं है तो ए नहीं है तो बी एक निकल आ सकता है। तो यहाँ से 3b निकल गया तो ए बच गया, देन प्लस 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 3 4s are 12 तो 4 आएगा और बी एक निकल गया, एक रह गया। इसको मैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेता हूँ। ये भी फार्मूला है आपके नॉलेज में है, ये भी फार्मूला होता है जिसको हमें लिखने से हमारा सलूशन आसान हो जाता है। अब आप देखें, इसको मैं इससे कैंसिल कर दूँगा। तो अब सिंपलीफाई करने के लिए पहले इन दोनों में से दो टर्म आ गई हैं, इनमें से ये देखें ये दोनों कामन आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 4b तो कामन जब आया तो ये निकल गया तो ये बचा, और इन दोनों में से प्लस 3b बच गया क्योंकि ये तो निकल आया था, नीचे ए प्लस बी बच गया था और नीचे ए प्लस 4b बच गया। अब इसमें से इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, हमारा ये ऊपर है कि ये, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस 3b ओवर ए प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ को गौर से किया करें, देखें समझें, नहीं आता बार बार प्रैक्टिस करें। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है 0333-2396-154, प्रोफेसर साजिद का नंबर है ये। अब मेरे पास जगह है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक और क्वेश्चन सोल्यूशन दे दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं इसके साथ ही सॉल्व करता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, x² - 5xy / 5y² × x² - y² / x² + xy।
अब देखें, सिंपलीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम इसमें सबसे पहले इन दोनों में से x कामन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा x, तो यहाँ से x बचा माइनस 5y, क्योंकि x तो निकल गया था। नीचे हम इसको मिडल ब्रेक करेंगे, बार बार बता चुका हूँ कि जब एक इक्वेशन को मिडल ब्रेक करेंगे तो एक माइनस होगा तो इसका सलूशन नहीं निकलेगा, हमें वो पर मिडल ब्रेक करना है जिससे दोनों माइनस आए। अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 अंदर 5, तो माइनस 5 माइनस 1 आएगा इसका, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस xy, ये माइनस माइनस मिलके माइनस 6 हो जाता है। इसको एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, ये फार्मूला है। इन दोनों में से भी हम एक्स कामन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा यहाँ से एक्स, फिर प्लस ये निकल गया तो ये बच गया वाई। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान मेथड है, मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको करने से पहले हम इसको पहले कर लेते हैं, एक्स एक्स माइनस फाइव वाई, नीचे इन दोनों में से देखें एक्स का मन आएगा, यहाँ से एक्स बच गया, ये माइनस है, ये निकल गया तो माइनस फाइव वाई। यहाँ से देखिए, अगर हम माइनस वन का मन निकाल लें, बल्कि वाई निकाल लें, ये माइनस वाई निकाल लिया क्योंकि यहाँ एक है यहाँ दो है, तो यहाँ से माइनस एक्स की वजह माइनस निकल गया था, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से एक्स बच गया और ये माइनस प्लस माइनस, एक वाई निकला तो फाइव वाई बच गया। यहाँ से आप एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीन तरीकाकार है, इन दोनों में से पहले कामन निकाल लें, एक्स एक्स माइनस फाइव वाई, यहाँ से एक्स माइनस फाइव वाई जब कामन आ सकता है, ये निकल गया तो एक्स बचा, ये निकल गया तो माइनस वाई बच गया। इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, आप सिंपलीफाई करने जाएं, ये देखें यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई ये कैंसिल हो गया, ये एक्स माइनस वाई ये एक्स माइनस, ये बीच में माइनस का निशान है तो प्लस मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो ये इधर से इधर भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको इसको भी कैंसिल कर दिया, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये एक्स एक्स तो सारे ही कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, वन नॉट ज़ीरो, कोई ज़ीरो कहते हैं ज़ीरो इज़ रॉन्ग, क्योंकि वन वन सब जगह आए, यहाँ वन वन, तो वन इज़ योर आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका था, दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अपने होस्ट प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट्स में लिख दें। उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजाज़त दीजिए, प्रोफेसर साजिद को, अल्लाह हाफिज़।